आपने देखा होगा अक्सर आजकल जितने साधु बाबा लोग हैं, जितने संत महात्मा हैं, ये लोग महंगी महंगी कारों से चल रहे हैं। मैंने अक्सर और हाल में मैंने कल ही देखा एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किसी ने किया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसने किया हुआ है कि ये लोग इतनी महंगी कारों से क्यों चल रहे हैं। तो बस ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये जानना है कि ये साधु लोग इतनी महंगी कारों से क्यों चलते हैं, क्या ये चलना सही भी है कि नहीं सही है। और जब मैं ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लूँगा तो इसमें मैं चाहूँगा आप अपनी राय ज़रूर दें। आमतौर पे ऐसा हमारे दिमाग में पोर्ट्रे किया गया है हमेशा से, पिछले 100-150 सालों से हमारे दिमाग में ऐसा बिठाला गया है कि जितने संत होते हैं, जितने साधु होते हैं, जितने महात्मा होते हैं, जितने शिक्षक होते हैं, ये सब हमेशा फटे चिटे रहते हैं, ऐसे फटे हाल घूमते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, ये सब इसी तरीके से घूमे। अगर कोई टीचर आज के टाइम पे ऑडी से घूमना शुरू कर देगा तो आपको लगने लगेगा, अरे यार ये टीचर ऑडी से कैसे घूम रहा है, इसको तो भिखारी होना चाहिए। एक साधु अगर एक ऑडी से घूमना शुरू कर देगा तो आपको लगेगा, अरे ये बाबा कैसे उसे, जैसे अभी मैंने देखा वृंदावन के एक महात्मा है वो ऑडी से घूम रहे हैं, तो लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं कि यार ये ऑडी से घूम रहा, बताओ भारत का जो संत बापू बनने वाला है बाबूजी और ये सब वो सब, ये सब ऑडी से घूम रहे हैं। तो यार मेरे भाई, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में जाते हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, इन सारे लोगों की मूवी देखते हैं, ये लोग किस चीज़ का ऐड करते हैं, गुटके का प्रचार करते हैं, कोई रजनीगंधा का, कोई साला दारू का प्रचार करता है। आपको कोई शौक नहीं, आपको उन्हें महंगी कारों में ही देखना अच्छा लगता है। तो जो लोग आपको थोड़ा भी अच्छी बात बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साधु महात्मा सही है, 50% महात्मा एक तरीके से पाखंड में जुटे हुए हैं, लेकिन 50% जो सही हैं उन्हें पूरा हक है कि वो महंगी गाड़ियों में चलें, उन्हें पूरा हक है कि वो महंगी से महंगी गाड़ियों में चलें। क्यों? क्योंकि वो आपको गलत नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको गुटखा खाना नहीं सिखा रहे हैं कि आज चलो तुमको गुटखा खाना चाहिए, चलो तुम दारू पियो सबसे अच्छी चीज़ है, असली रजनीगंधा का पसंद, ये सब कोई महात्मा नहीं करता है। कोई भी महात्मा आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही बताता है। तो ये किस किताब में लिखा है कि एक साधु महात्मा फटे कपड़े पहन के चले, एक साधु महात्मा फटे कमंडल लेके ही चले, ये कहाँ का सच है भैया? जो आपको अच्छी बातें बता रहा है उसको भी उतना ही हक है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हक है, जो एक गुटके का प्रचार कर रहा है, जो एक दारू का प्रचार कर रहा है और जो इधर उधर के काम कर रहा है। ठीक, तो कोई एक संत साधु महात्मा अगर ईमानदार है, वो आपको अच्छी बातें बता रहा है, आपको घर आपको बता रहा है कि आपका परिवार कैसा एक रहे, तो वो आदमी कैसे गलत हो सकता है? आप उसके बारे में ये सोचें कि वो फटा कपड़ा पहने, वही एक आपने मन में चित्र बना रखा है क्या? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके मन में हमेशा एक चित्र बना रहता है कि टीचर यानी फटीचर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर यानी फटीचर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आई एम ए टीचर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, मैं 10 साल से टीचर हूँ, मेरे पास तीसरी चौथी गाड़ी है, तो मैं फटीचर नहीं हूँ भाई। कोई भी टीचर ऐसे नहीं होता, मैं कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करता, मैं अच्छी बातें ही बताता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे साधु महात्मा हैं समाज में हैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बातें करते हैं, ये बताते हैं कि घर परिवार में माता पिता के साथ कैसा बिहेव करें, अपने भाई बहनों के साथ कैसा बिहेव करें, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करें, अगर आप परेशान हैं तो कैसा बिहेव करें, आपको सफलता नहीं लग रही है तो क्या काम करें। तो वो आपको कुछ गलत तो बता नहीं रहे, तो जब आपको गलत नहीं बता रहे हैं तो आप ये क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो पैदल चलें, साइकिल से चलें? अरे उनको पूरा का पूरा हक है, वो ऑडी से चले, रोल्स रॉयस से चले, मैं तो कहता हूँ उनको पूरा हक है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी सुधारने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपकी भी ऐसी मानसिकता है तो उसको बदलिए। अगर आपकी कोई और आपको लगता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।